91 से 180 क्वेश्चन जो है वो इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में। आइए चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स वर सेल्फ सिंथेसाइज्ड ओनली ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ द अर्थ। आपको पता है ऑर्गेनिक जो केमिकल्स बने थे वो अपने आप ऑटोनॉमसली जो है वो अराइज हुए थे अर्ली अर्थ में। विच वन इज नॉट रिलेटेड टू द अबोव स्टेटमेंट। प्रेजेंस ऑफ सफिशियंट सोर्स ऑफ एनर्जी बिल्कुल पाया जा रहा था, उस समय टेम्परेचर ज्यादा था। प्रेजेंस ऑफ रॉ मटेरियल की प्रेजेंस भी थी इन ऑर्गेनिक फॉर्म के रूप में बात करें। हाई टेम्परेचर भी था और इसको जो है मिलर एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक्सप्लेन भी किया गया था 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंडक्ट करवाकर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, ये जो है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं था। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड वाज सिंथेसाइज्ड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट। दिए गए अमीनो एसिड में से मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान किनको प्राप्त किया था? ग्लूटामिक एसिड नो, एलेनिन यस, वेलिन नो, ग्लाइसिन यस, एस्पार्टिक एसिड यस। मींस तीन अमीनो एसिड जो हैं वो ऑब्टेंड हुए थे इनको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पॉसिबल प्रिकर्सर ऑफ द फर्स्ट लिविंग फॉर्म। फर्स्ट लिविंग फॉर्म का पॉसिबल प्रिकर्सर कौन सा रहा है? मींस ईओबायोंट से ठीक पहले कौन आए थे? तो वो आए थे प्रोटोबायोंट्स। ओके, और प्रोटोबायोंट्स जो प्रिमिटिव ओशन में बने थे, लेकिन यहां पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा बच्चों एक बार, माइक्रोस्पियर एंड कोसरवेट आर ऑल्सो प्रोटोबायोंट बट दीज आर सिंथेटिक प्रोटोबायोंट्स। तो ये ऑप्शन नहीं जाएंगे। अगर दिया हुआ है ऑप्शन में प्रोटोबायोंट तो ट्रू प्रोटोबायोंट का केस जो है वो इसका एग्जाम्पल बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सेलेक्ट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत को खोजना है अपने को। रिगार्डिंग स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए ओपन फ्लास्क नो क्लोज फ्लास्क। तो ये स्टेटमेंट अपना हो गया रॉन्ग। एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक बात है। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन लिक्विड वाटर इन ट्रैप, जो नीचे यू ट्रैप बनी थी उसमें अमीनो एसिड फॉर्मेशन देखा था इन्होंने, ठीक बात। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ द ओपेरिन्स थ्योरी। ओपेरिन की जो थ्योरी ने केमिकल इवोल्यूशन की जो बात कही है उसी को ही एक्सप्लेन करता है स्टेनले मिलर का ये एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट अपना बन गया 1। इनकरेक्ट खोजना है तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन। दिस थ्योरी हैज 3 कनोटेशन। Which of the following is not related? कौन सा connotation जो है इस थ्योरी से रिलेटेड नहीं है? इस थ्योरी ने कहा था सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी रूप में ही जो है वो अराइज हुए थे, ठीक बात है। दूसरी बात इन्होंने कही थी डाइवर्सिटी ओरिजिन के समय से अभी तक ऐसी ही बनी हुई है, उसमें ना तो कोई चेंज आया है और ना ही फ्यूचर में कोई चेंज आएगा। मीन्स डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन द फ्यूचर, करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरा कनोटेशन इन्होंने दिया था अर्थ जो है 4000 साल पुरानी है, ये बात भी ठीक है। तो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपना बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आंसर हो गया 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड अंडर द पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब है फॉसिल से अपने को जो एविडेंस ऑब्टेंड होते हैं उनके रेस्पेक्ट में जो है अपने को ये क्वेश्चन देखना है। फॉसिल आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो सी के बॉटम में फॉर्मेशन होता है। जो पुराना ऑर्गेनिज्म है वो लोअर सेडिमेंट्री लेयर में होगा और जो न्यूली ऑर्गेनिज्म जो अभी डेड हुआ है वो अपर सेडिमेंट्री लेयर में पाया जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट। लाइफ फॉर्म इज नॉट वेरिड ओवर ए टाइम। लाइफ फॉर्म समय के साथ परिवर्तित नहीं हुई है, बट इट इज इनकरेक्ट क्योंकि बहुत सारे चेंजेज आए इवोल्यूशन के दौरान, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। अपने को पता है सीलोकेंथ का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहा है। ऐसे ही ह्यूमन के इवोल्यूशन की बात करें तो उसमें भी अलग अलग प्री हिस्टोरिक मैन जो हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड पर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अलग अलग लाइफ जो हैं वो अलग अलग समय आती गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। मीन्स अपने को करेक्ट ही पता करना है तो ए सी एंड डी आर करेक्ट, ए सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ कैन ए पर्सन लुक बैक इन टू द टाइम। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि आप जब भी स्टार्स को देखते हो तो आप पीपिंग इन टू द पास्ट, आप पीछे झांक रहे हो, पास्ट के समय में झांक रहे हो। इसका मतलब लुकिंग एट द स्टार जो है ये
क्या दर्शाता है कि अपन पास्ट में देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन. सेम स्ट्रक्चर है, ओरिजिन सेम है, अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो इवॉल्व हुए हैं ड्यू टू अडेप्टेशन टू दी डिफरेंट नीड, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए. दिज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज. तो ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती हैं? स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है, प्रोसेस की बात नहीं कर रहा. प्रोसेस की अगर बात करता तो डाइवर्जेंट कह देते, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है इसका मतलब होमोलोगस ऑर्गन. तो आंसर नंबर टू इज करेक्ट. सेलेक्ट आउट इनकरेक्ट वन विद रेस्पेक्ट टू द इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन के कारण जो इवोल्यूशन हुआ है उसके रेस्पेक्ट में इनकरेक्ट पता करना है अपने को. प्रीडेटर कुड स्पॉट ए मॉथ अगेंस्ट ए कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड. ये बात हो रही है किसकी? इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जो मॉथ पाए जा रहे थे, बिस्टन बिटुलेरिया कार्बोनेरिया, बिस्टन बिटुलेरिया टाइपिका, ठीक है, उनके रेस्पेक्ट में. प्रीडेटर कुड स्पॉट ए मॉथ अगेंस्ट ए कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड. एक मॉथ को आसानी से पता कर पाते थे उसके विपरीत कलर वाले बैकग्राउंड में. करेक्ट स्टेटमेंट. ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ट्री ट्रंक बिकम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड दी सूट. तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद सूट जमा हो गई जिसके कारण जो है ट्री ट्रंक जो है डार्क हो गई. करेक्ट स्टेटमेंट. बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट कलर्ड मॉथ वर पिक्ड आउट बाय द प्रीडेटर. इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात करें, पोल्यूशन नहीं था. पोल्यूशन नहीं था मीन्स लाइकेन की ग्रोथ थी. लाइकेन की अगर ग्रोथ थी तो लाइकेन स्टेम पर ग्रो कर रहे थे तो उसमें अपने आप को कीमोफ्लेज कर पा रहे थे. कौन? व्हाइट कलर के मॉथ. लेकिन ये स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रीडेटर इनको पहचान पाता था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. इन रूरल एरियाज द काउंट ऑफ मिलेनिक मॉथ वाज लो. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इन रूरल एरिया पोल्यूशन लेस, लाइकेन ग्रोथ मोर. लाइकेन ग्रोथ अगर मोर होगी तो कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड व्हाइट बन गया, उसके ऊपर मिलेनिक मॉथ अगर आएगा तो प्रीडेटर उसको आसानी से पहचान जाएगा. तो इनकरेक्ट पूछ रहा है. ऑप्शन नंबर थ्री इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन. अडेप्टिव रेडिएशन मीन्स होमोलोगस ऑर्गन जिसकी वजह से अराइज हुए हैं. डेवलपमेंट ऑफ होमोलोगस ऑर्गन करेक्ट स्टेटमेंट है. डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंशियल अडेप्टेशन, अलग अलग अडेप्टेशन के लिए वो डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए हैं. करेक्ट स्टेटमेंट है. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसकी वजह से एनालोगस ऑर्गन अराइज होते हैं, तो ये बात गलत है. कॉमन एंसेस्ट्री, होमोलोगस ऑर्गन के केस में कॉमन एंसेस्ट्री देखी जाती है, सही है. अपने से नॉट रिलेटेड की बात कर रहे हैं तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड. ओके, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन एक डायरेक्शनल प्रोसेस है. नो, इट इज ए नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस. इनकरेक्ट पूछ रहा है अपने से, फिर भी क्रॉस चेक करें. इवोल्यूशन कैन बी ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी. हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, एग्जाम्पल इसका डीडीटी रेजिस्टेंट. इवोल्यूशन कैन बी ड्यू टू सम चांसफुल इवेंट इन द नेचर. अचानक अराइज हो सकता है इवोल्यूशन चांसफुल इवेंट के कारण. करेक्ट स्टेटमेंट. इवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस, संयोगवश होने वाली प्रक्रिया. एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है करेक्ट. मीन्स आंसर चला जाएगा वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल. हाउ मेनी ऑफ दीज मैमल्स आर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल. ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की अगर बात करें तो स्पॉटेड कसकस मार्सुपियल है, फ्लाइंग फैलेंजर मार्सुपियल है, बॉबकैट मार्सुपियल नहीं है, मैमल है, प्लेसेंटल मैमल. तस्मानियन बिल्कुल है, नुम्बेट ये भी है, मॉल नहीं है, लेमोर नहीं है, ये भी प्लेसेंटल है. मीन्स वन टू एंड थ्री फोर, फोर जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट. नेक्स्ट. मैच द कॉलम ए एंड बी केयरफुली एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो. जेनेटिक होमियोस्टेसिस जो है इसके बारे में बताया है लर्नर ने. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, ये बात की है किसने? लेमार्क ने. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है इसके बारे में बताया है किन्होंने? डार्विन ने. एंड म्यूटेशन थ्योरी जो है ह्यूगो डिफ्रीज ने. तो अपना सीक्वेंस बनेगा 3 4 2 1. आप देख लें इसमें 3 4 2 1 कहां है. 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन अबाउट लेमार्किज्म. लेमार्किज्म ने अपने जो स्टेटमेंट दिए उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या बनता है?
लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव देयर ऑर्गन टेंड टू इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, बिल्कुल सबसे पहली बात यही थी। न्यू ऑर्गन वुड डेवलप इन एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द नीड, इसके बाद यही बात कही थी इन्होंने। दोज ऑर्गन विच आर यूज फ्रिक्वेंटली विल डेवलप मोर एंड मोर व्हाइल दोज नॉट बींग यूज विल टेंड टू बिकम वीकर, इन्होंने ये बात भी कही थी जिन ऑर्गन को लगातार काम में लिया जाएगा वो तो डेवलप्ड होते चले जाएंगे और जिन ऑर्गन को काम में नहीं लिया जाता है वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो इसके बाद ये स्टेटमेंट भी ठीक है, अडेप्टेशन डेवलप्ड इन ऑर्गेनिज्म विल बी इनहेरिटेड एंड वुड एक्यूमुलेट विद द टाइम, जो जो अडेप्टेशन आती जाती है इंडिविजुअल में ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो एक्यूमुलेट होती चली जाती हैं। तो सबसे लास्ट स्टेटमेंट यही बन जाएगा, मीन्स जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो इसके ऑर्डर में ही दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, तो अपना ऑर्डर के अकॉर्डिंग आंसर बन जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट वॉज द बेसिस ऑफ द डार्विन्स थ्योरी, डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पोस्टुलेट हैं उनके रेस्पेक्ट में कौन से ठीक हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज फॉलो ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है इंडिविजुअल 1 से 2 हुए, 4 हुए, 4 से 8 हुए, तो स्टेटमेंट सही है। एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, तो वेरिएशन आती है स्पीसीज के इंडिविजुअल में, ये बात भी ठीक है क्योंकि सम आर बेटरली अडेप्टेड होते हैं और कुछ जो हैं लेस अडेप्टेड होते हैं। ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन द एग्जिस्टिंग वेरिएबिलिटी इन ऑर्डर टू सेलेक्ट बेस्ट फिट वेरियंट, तो नेचुरल सिलेक्शन जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंसेप्ट इन्होंने दिया था उसके अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फूड एवेबिलिटी इंक्रीज इन अरिथमेटिक प्रोसेस प्रोग्रेशन, मीन्स फूड किस रूप में बढ़ता है, 1, 2, 3, 4, हर जनरेशन में डबल नहीं होता जाता है, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो सारे ही जो है स्टेटमेंट रिलेटेड है किससे, डार्विन्स थ्योरी से, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सिलेक्शन हैज नो रोल टू प्ले इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं है ऐसा बताया गया है किनके द्वारा, ह्यूगो डिवरीज की म्यूटेशन थ्योरी के द्वारा, क्योंकि डार्विनिज्म में भी नेचुरल सिलेक्शन की बात हुई है, मॉडर्न थ्योरी में भी ये बात कही गई है कि बेनिफिशियल जो अडेप्टेशन होती हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। नियो डार्विनिज्म तो कॉम्बिनेशन है डार्विनिज्म का और आगे की म्यूटेशन थ्योरी का, लेकिन म्यूटेशन थ्योरी जो है ये नेचुरल सिलेक्शन के रोल के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती, तो आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन प्री मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म, प्री मेटिंग मीन्स इंडिविजुअल की मेटिंग नहीं हो पाती है, तो स्पीसीज आइसोलेशन जो मैकेनिज्म है उसमें मेटिंग नहीं होना, मैकेनिकल आइसोलेशन मेटिंग से पहले का ही है, सीजनल आइसोलेशन मेटिंग से पहले का है, बिहेवियरल आइसोलेशन मेटिंग से पहले का है, लेकिन हाइब्रिड इनवायबिलिटी मीन्स मेटिंग होगी, हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड भी हो गया, हाइब्रिड जो है अपनी अर्ली स्टेज के दौरान क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, डेथ उसकी हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको इस क्वेश्चन को, मैकेनिकल आइसोलेशन की अगर बात करें तो इस मैकेनिकल आइसोलेशन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेटिंग के लिए जो है सूटेबल नहीं होते, तो ये मैकेनिकल आइसोलेशन कहलाता है। सीजनल आइसोलेशन, जो दो इंडिविजुअल हैं उनके ब्रीडिंग सीजन जो है उनमें डिफरेंस के कारण आइसोलेशन पैदा हो जाता है। बिहेवियरल आइसोलेशन, मेटिंग बिहेवियर जो है दो इंडिविजुअल का वो डिफरेंट होने के कारण आइसोलेशन हो जाता है, तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आंसर चला जाएगा 4th। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डार्विन एंड वैलेस इवोल्यूशन अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, डार्विन और वैलेस के अनुसार इवोल्यूशन किसके कारण हुआ है, तो आप ऑप्शन को जब रीड करेंगे ऑप्शन नंबर 3rd जो है वो कॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है, नेचुरल सिलेक्शन कपल्ड विद एनवायरमेंटल चेंज, ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट के बारे में पता करना है। ऑल द रेसेज ऑफ ए स्पीसीज आर आइसोलेटेड एट रिप्रोडक्टिव लेवल, एक ही स्पीसीज की जितनी भी रेसेज हैं वो रिप्रोडक्टिव लेवल पर आइसोलेटेड होती हैं, नेसेसरी नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन थ्योरी इवोल्यूशन इज ए नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस, म्यूटेशन थ्योरी बताती है नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है, ठीक बात है। स्पीसीज बिगिंस विद द रेस फॉर्मेशन, करेक्ट स्टेटमेंट। इन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इंटरमीडिएट फेनोटाइप आर सिलेक्टेड, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की अगर बात करें तो पहले अगर ये एक ग्राफ बन रहा था इंडिविजुअल का, तो अब जो है वो ग्राफ कैसा बन जाएगा,
इस पीक से थोड़ा ऊपर, कहने का मतलब जो इंटरमीडिएट थे उन्हीं को ही और सिलेक्ट किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया अपना वन, तो करेक्ट आंसर इज वन। होमिनिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1981 रिवील्ड ए स्टेज इन द ह्यूमन इवोल्यूशन विच वॉज कॉल्ड, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। फर्स्ट होमोनिड जो था वो तो था होमो हैबिलिस, लेकिन इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि होमोनिड फॉसिल डिस्कवर किए गए 1891 में जावा से, तो ये किसके थे? होमो इरेक्टस। सो करेक्ट आंसर अपना सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमोनिड, अभी जो अपना क्वेश्चन था उसी में इस बात की बात हुई थी, इस विषय में अपने चर्चा भी की थी कि पहला होमोनिड फॉसिल कौन सा था, वो था होमो हैबिलिस, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स वाज एग्जांपल ऑफ, आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल किसका एग्जांपल है, तो इनमें अगर अपन अलग अलग बात करें, कॉप्रोलाइट फॉसिल, पेट्रीफाइड फॉसिल, इंप्रेशन फॉसिल, माउल्ड फॉसिल। कॉप्रोलाइट फीकल मैटर से संबंधित है, तो इस प्रकार का फॉसिल नहीं मिला था। आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल की अगर मैं बात करूं, तो ये किसी सबस्ट्रेटम पर डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इंप्रेशन के कारण बना हुआ फॉसिल था, तो इंप्रेशन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ टू स्पीसीज फ्रॉम वन एंसेस्ट्रल स्पीसीज, एक एंसेस्टर स्पीसीज से दो स्पीसीज का बनना, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का ऑप्शन हो जाएगा अपना थर्ड वन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स वन करेक्ट एग्जाम्पल ईच ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की अगर बात करें, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब हो गया एनालोगस ऑर्गन से रिलेटेड, और यहाँ डाइवर्जेंट की बात करेंगे तो होमोलोगस से। आइए, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल, ये तो होमोलोगस हैं, इसका मतलब कन्वर्जेंट में नहीं आएगा पहला ऑप्शन। तो अगला देखें, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ऑक्टोपस और मैमल्स की जो आई हैं इनमें रेटिनल पोजिशन में डिफरेंस देखा जाता है, इसका मतलब ओरिजन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन दोनों क्या कर रही है, विजन का, ये भी एनालोगस का एग्जाम्पल बनता है, कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल बनता है, ठीक बात है एनालोगस का। लेकिन इसके सामने वाला देखें, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, पेंगुइन पक्षी है, एविज है, डॉल्फिन मैमल है, ओरिजन डिफरेंट है लेकिन सेम एक्वेटिक हैबिटेट में रहने के कारण इन दोनों ही ऑर्गन को किस लिए काम में लिया जाता है, स्विमिंग के लिए, तो ये एग्जाम्पल बनता है किसका, एनालोगस का। इसका मतलब है ये कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट का नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी अपना नहीं आएगा। स्वीट पोटेटो एंड पोटेटो, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये रूट है, इसका मतलब ओरिजन हो गया इनका डिफरेंट, और फंक्शन फूड स्टोरेज का ये कर रहे हैं, डिफरेंट ओरिजन हो गया मीन्स कैसा होना चाहिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सही बात है। इधर डाइवर्जेंट में देखें, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट की फोर लिम्ब की जो बोन्स हैं, करेक्ट आंसर है डाइवर्जेंट को, होमोलोगस ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आंसर अपना जाएगा थर्ड। लेकिन फोर्थ ऑप्शन को क्रॉस चेक और कर लेते हैं अपन, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, बटरफ्लाई इनवर्टिब्रेट, बर्ड्स वर्टिब्रेट्स, ओरिजन डिफरेंट, और फ्लाई में काम में ले रहे हैं इन विंग्स को, इसका मतलब डिफरेंट ओरिजन सेम फंक्शन, एनालॉजी को रिप्रेजेंट करेगा, एनालॉजी मीन्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सही है। यहाँ पर देखिए आप, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, अलग अलग ओरिजन है, इसका मतलब ये भी एनालॉजी को रिप्रेजेंट करेगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, डाइवर्जेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर थर्ड चला जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइंग रेप्टाइल, फ्लाइंग रेप्टाइल की अगर बात करें तो इन चारों में से टेरिनोडॉन जो है वो फ्लाइंग रेप्टाइल कहलाए थे। नेक्स्ट, ए रिसर्चर फाउंड पेट्रीफाइड डायनासोर फैसेज, कहने का मतलब एक्सक्रीटरी मैटर जो है वो फाउंड हुआ है रिसर्चर को, दिस टाइप ऑफ फॉसिल कैन बी कंसिडर्ड एज, तो फॉसिल के रूप में अगर एक्सक्रीटरी मैटर को फाइंड आउट किया जाता है तो ये कॉप्रोलाइट कहलाता है, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कंसिडर अबाउट द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी सिक्वेंस, एक सिक्वेंस आपको दी गई है उसकी करेक्ट सिक्वेंस आपको पता करनी है, ओरिजिन ऑफ ईओबायोंट, प्रोटोबायोंट ईओ से पहले आए थे, बिगनिंग ऑफ ऑटोट्रोपिज्म, ये बाद का है, ऑटोट्रोपिज्म बाय फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब इनको अगर सिक्वेंस में लगाया जाए तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट्स, बी सबसे पहले आएगा, प्रोटोबायोंट्स के बाद में ओरिजिन हुआ किसका, ईओबायोंट्स का। नेक्स्ट बात करें, बिगनिंग ऑफ ऑटोट्रोपिज्म बाय कीमोसिंथेसिस,
और बाकी को अगर रिलेट करें तो बिल्कुल ठीक बात है, इन तीनों से पहले हुआ है ये, तो अपना आएगा सी। सी के बाद ऑटोट्रोपिन बाय फोटोसिंथेसिस और रिलीज ऑफ ऑटो फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, तो ऑटोट्रोपिन बाय फोटोसिंथेसिस ये सी के बाद आ जाएगा, तो डी हो गया। इसके बाद रिलीज ऑफ ऑटो फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, तो डी के बाद अपना आ जाएगा एफ, और जो ऑटो रिलीज होगी उससे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होगा, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा ई। बी ए सी डी एफ ई, बी ए सी डी एफ ई, ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, ए ह्यूमन पॉपुलेशन कंटेनिंग 200 इंडिविजुअल हैज टू एलील एट द टी लोकस नेम्ड टी एंड टी, टी कैपिटल टी विच प्रोड्यूस टॉल इंडिविजुअल इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी विच प्रोड्यूस शॉर्ट इंडिविजुअल, इफ द पॉपुलेशन हैज 90 ये इनका नंबर दिया हुआ है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज टू एलील इन दिस पॉपुलेशन। ऐसा ही एक क्वेश्चन अपन ने जेनेटिक्स में भी पहले देखा था, इस क्वेश्चन में नंबर दिया गया है इंडिविजुअल का दिस वन, अब इस नंबर के रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी अपने को निकालनी है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछी है कैपिटल टी और स्मॉल टी के लिए। कैपिटल टी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 90 इंडिविजुअल हैं आउट ऑफ टोटल कितने 200 इंडिविजुअल में से। ओके तो इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो अपने पास में आ जाता है 0.45, जब कैलकुलेशन इसकी की जाएगी तो 0.45 ऑब्टेंड हो जाएगा। ऐसे ही कैलकुलेशन रिसेसिव के रेस्पेक्ट में आप करोगे तो स्मॉल टी के लिए ये आ जाएगा 70/200, तो ये कैलकुलेशन अपने पास आ जाएगी 0.35। और हेटरोजाइगस जो 40 दिया हुआ है उसके लिए अगर कैलकुलेट करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए तो वो आ जाती है अपनी 40/200, ये कैलकुलेशन जब की जाएगी तो ये आ जाएगा अपना 0.20। ओके अब कैपिटल टी एलिलिक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो कैपिटल टी का मतलब होमोजाइगस में तो ये आ ही गई, और इसमें से हाफ पार्ट मीन्स 0.10 ये किसका बनेगा कैपिटल टी का, तो कैपिटल टी की तो हो जाएगी 0.45 प्लस 0.10, टोटलिटी हो जाती है कितनी 0.55। और स्मॉल टी की अगर बात करें तो 0.35 तो वहां पर है, और यहां से अगर एक और 0.10 तो ये टोटल अपना हो जाएगा 0.45, तो अपना आंसर होगा 0.55 0.45, आंसर नंबर टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्ड लाइक फीचर ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स जो कि एक मिसिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, तो बर्ड लाइक फीचर इसमें क्या क्या थे, इसमें कॉम्बिनेशन दिया गया है, रेप्टिलियन फीचर भी बताए गए हैं, बर्ड्स के फीचर भी बताए गए हैं, अपने को बर्ड्स लाइक फीचर देखने हैं। जोज मॉडिफाई इनटू वीक, बिल्कुल ठीक बात है, किसका करेक्टर है एविज का, बर्ड्स का। जोज बियरिंग टीथ, जबड़ों में दांतों का पाया जाना रेप्टिलियन करेक्टर है, नो। एक्जो स्केलेटन ऑफ फीदर एवियन करेक्टर कहलाता है, स्पंजी बोन एवियन करेक्टर तो होलो बोन है, रॉन्ग। मैनी टेल्ड वर्टिब्री ये रेप्टिलियन करेक्टर है, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो एवियन करेक्टर फर्स्ट एंड थर्ड हो गया अपना, फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन कैन एक्ट ऑन द करेक्टर विच क्वांटिटेटिव वेरिएशन इन वे इज डिपेक्टेड इन द ए बी सी, नेचुरल सिलेक्शन ए बी और सी में दिखाया गया है, दिस कैन लीड टू द रिजल्ट ऑफ डिपिक्टेड इन द ग्राफ एक्स वाई जेड, ये जो सिलेक्शन दिखाए गए हैं उनका रिजल्ट इन ग्राफ पर एक्स वाई जेड पर अपने को दिखाई दे रहा है, बोल्ड लाइन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइप इन पॉपुलेशन जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन था उसको बता रही हैं, और डॉटेड लाइन जो है या ब्रोकन लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है नेचुरल सिलेक्शन के बाद इनके फिनोटाइप को। तो पहले वाले को अगर देखें तो आप देखें ये तो पहले था, प्रीवियस था, नेचुरल सिलेक्शन के बाद में ये किसी एक डायरेक्शन की ओर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब ये क्या कहला गया, ये डायरेक्शनल का एग्जाम्पल बन गया एक्स। इसकी बात करें तो जो पीक वैल्यू है वो कम हो रही है डॉटेड में, और जो मार्जिन है उनको सेलेक्ट किया जा रहा है, तो ये कैसा हो गया, ये डिसरप्टिव टाइप का हो गया। यहां अगर देखें तो मार्जिन को सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, पीक को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो ये कैसा हो गया,
ये स्टेबलाइजिंग टाइप का सिलेक्शन हो गया। अब अपने को इन एक्स वाई जेड का रिलेशन ए बी सी से निकालना है, तो आप देखें ए कैसा है स्टेबलाइजिंग, बी कैसा है डायरेक्शनल, सी कैसा है डिसरप्टिव। तो आप रिलेट कर दीजिए इनको, आप एक्स के लिए डायरेक्शनल मींस क्या आना चाहिए बी आना चाहिए, डिसरप्टिव है वाई के लिए तो क्या आना चाहिए सी आना चाहिए, जेड के लिए स्टेबलाइजिंग है क्या आना चाहिए ए आना चाहिए। तो एक्स वाई और जेड को रिप्रेजेंट करने वाले बी सी और ए हो जाएंगे। ऑप्शन देखिए बी सी ए, बी सी ए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ए, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैन इज गिवन बिलो। मैन के इवोल्यूशन का एक डायग्राम आपको दिखाया गया है, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। ड्रायोपिथिकस के बाद रामापिथिकस, रामापिथिकस के बाद कौन आए तो आप इसमें देखें रामापिथिकस और होमो हैबिलिस के बीच में अपने को लेना है, तो होमो हैबिलिस से पहले होमो इरेक्टस नहीं आए, गलत बात। होमो हैबिलिस से पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए, सही बात है। नियंडरथल होमो हैबिलिस से पहले आए, रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए, सही बात। इसका मतलब यहां तो आना चाहिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये तो करेक्ट हो गया। होमो हैबिलिस के बाद बी आया, बी का यहां पर होमो सेपियन फॉसिलिस दिखा रखा है, होमो सेपियन फॉसिलिस, ये तो अपना स्टेटमेंट पहले ही रॉन्ग हो चुका है। बी के बाद केनियापिथिकस दिखा रखा है, लेकिन केनियापिथिकस पहले ओरिजिनेट हो गए थे, इसका मतलब होमो हैबिलिस के बाद ओरिजिन केनिया का नहीं होगा। तो होमो हैबिलिस के बाद में होमो इरेक्टस आएगा, और होमो इरेक्टस के बाद में सी की जगह क्रोमैग्नन आएगा, क्रोमैग्नन के बाद होमो सेपियन सेपियन मॉडर्न मैन का फॉर्मेशन हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। ओके नेक्स्ट, फोर लिंब ऑफ वर्टिब्रेट आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन विच आर रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग टेबल। फोर लिंब के एग्जाम्पल आपको दिए हैं, इनमें आप ए बी सी और डी की जगह क्या करेक्ट फिल आना चाहिए वो आपको बताना है। फोर लिंब सील का बता रखा है, फंक्शन इसका स्विमिंग है, अपियरेंस में ये कैसा है तो अपियरेंस में ये फ्लिपर कहलाता है, इसका मतलब फिन्स और हैंड, ये तो हो गया गलत। अगला आपको दिखा रखा है, फंक्शन फ्लाइंग है और अपियरेंस इनका विंग है। ऑप्शन आपके पास बचे हैं बर्ड और हॉर्स, तो हॉर्स के जो फोर लिंब है वो विंग नहीं कहलाते हैं, ये भी गलत हो गया। तो आंसर 3rd होना चाहिए, फिर भी क्रॉस चेक कर लें इसको। बैट के अपियरेंस में क्या पेटेजियम कहलाते हैं, करेक्ट। मैन में जो थंब है ओपोजिंग टू फिंगर, इनका फंक्शन क्या होता है, ग्रेस्प करने का, पकड़ने का, तो करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर अपना चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर दो डायग्राम आपको दिखाए गए हैं, ये इंसेक्ट के विंग हैं और ये जो हैं ये आप देखें बोन इसमें दिखाई दे रही है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना ये सब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जो बर्ड्स हैं उनके फोरलिंब की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इंसेक्ट के विंग और बर्ड्स के विंग ये दोनों ही क्या हैं, अलग अलग ओरिजिन वाली स्ट्रक्चर हैं लेकिन उड़ने में मदद करती हैं। इसका मतलब है ये एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल बन गया। एनालोगस ऑर्गन जो है वो रिजल्ट हैं किसका, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। इसका मतलब होमोलॉजी रॉन्ग, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सही है। अडेप्टिव कन्वर्जेंस, अडेप्टेशन के कारण ऐसा हुआ है, ये भी सही है। होमोलोगस ऑर्गन ये गलत है। मोलिकुलर होमोलॉजी, यहाँ पर जीन बेसिस की बात करनी ही नहीं है अपने को। एनालॉजी की अगर बात करें तो एनालोगस ऑर्गन है, बिल्कुल ठीक बात है, ये है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलोगस ऑर्गन के रिजल्ट के रूप में बनते हैं, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत। और इसमें से अपने को करेक्ट कितने हैं वो बताने हैं, तो 1, 2 and 3 मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजेम्बलेंस बिटवीन वाइडली डिफरेंट ग्रुप ड्यू टू कॉमन अडेप्टेशन। अलग अलग ओरिजन है, अलग अलग ओरिजन वाले इंडिविजुअल कॉमन अडेप्टेशन के कारण सिमिलरिटी दर्शाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो स्टूडेंट मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि पैलियोजोइक एरा के रेस्पेक्ट में अगर बात करें और पैलियोजोइक के बाद मीसोजोइक की बात करें तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप याद रखें। क्या ट्रिक है देखें आप,
प्रेग्नेंट कैमल ऑफन सिट्स डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट माइट क्रैक। यहां पर पी जो है ये इंडिकेट कर रहा है किसको, पैलियोजोइक एरा को। पैलियोजोइक एरा में फिर क्या आएंगे, पीरियड। कितने पीरियड आएंगे देखें, ये कैम्ब्रियन आएगा, ऑर्डोविशियन, साइलोरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। तो छह पीरियड जो हैं वो इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, पैलियोजोइक एरा के अंदर। मीसोजोइक एरा में तीन पीरियड आते हैं, T4 ट्राइएसिक, J4 जुरैसिक एंड C4 क्रिटेशियस। ओके, तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आप देखें कैमल ऑफन सिट्स डाउन, सिट्स आना चाहिए था यहां पर, कैमल ऑफन सिट्स डाउन केयरफुली परहैप्स मींस, ये ट्रिक जो है यहां पर एप्लीकेबल हो रही है। बाकी अगर बात करें तो साइलोरियन पहले नहीं आ सकता, डेवोनियन बाद में बता रखा है। ओके, तो ऑप्शन अपना चला जाएगा, करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट, इन विच पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा जिम्नोस्पर्म वर डोमिनेंट। जिम्नोस्पर्म की डोमिनेंसी किस एरा के दौरान जो है वो देखी गई थी, तो उसके लिए करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा जुरैसिक। नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर चेंज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कम फ्रॉम। लंबे समय के प्रमाण अपने को कहां से मिलेंगे, तो उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, फॉसिल वो फॉर्म है जो ओल्डेस्ट एविडेंस अपने को प्रोवाइड करवाती है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेबी हैज बॉर्न विद स्मॉल टेल। एक बच्चा है जिसके छोटी पूंछ पाई जा रही है, इट इज ए केस ऑफ एग्जिबिटिंग। ये केस है एटाविज्म का, रिवर्जन ऑफ करेक्टर का। रिवर्जन ऑफ करेक्टर का मतलब हो गया एंसेस्ट्रल करेक्टर जो बीच की कुछ स्टेजेस के दौरान जो है वो नहीं अपीयर हो पाए थे और लेटर ऑन अचानक अपीयर हो जाते हैं, इट इज नोन एज एटाविज्म। तो अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ सब्सटेंस अपीयरिंग ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ वुड हैव बीन। ओरिजिन ऑफ लाइफ के दौरान सब्सटेंस का सीक्वेंस क्या रहा होगा, ये चार ऑप्शन आपको दिखा रखे हैं। तो आप देखें न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले बने हैं और उसके बाद अमीनो एसिड लास्ट में, नो। एंजाइम पहले बने हैं, अमीनो एसिड बाद में, गलत। अमीनो एसिड पहले बने हैं और उनके बाद अमोनिया बनी है, नो, अमोनिया पहले बनेगी। अमोनिया के बाद अमीनो एसिड बने हैं, फिर प्रोटीन बने हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड बना है, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द मोस्ट प्रिमिटिव अमंग द लिविंग वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट के केस में अगर बात करें तो वेस्कुलर प्लांट जो है ट्रेकियोफाइट्स की ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लब मॉस आ जाएगा, क्लब मॉस के बाद में साइकेड्स आ जाएगा, नीटेल्स आ जाएगा। अब इसमें से आप देखें क्या क्या आपको दिया गया है, साइकेड्स तो बाद में आए हैं, ब्राउन एल्गी को कंसिडर करेंगे ही नहीं इसमें। मोसेज में जो क्लब मॉस हैं वो शामिल हैं, लेकिन उनमें अब लिविंग फॉर्म में कौन सा पाया जा रहा है, तो लिविंग फॉर्म की अगर बात करें तो मोस्ट ओल्डेस्ट जो है वो फिर क्या बन जाएगा, अपना फंड्स बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को आपको मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मीसोजोइक एरा की बात हो रही है, मीसोजोइक एरा की अगर बात करें तो यहां पर मीसोजोइक में प्रोलिफरेशन ऑफ रेप्टाइल भी था, ओके, और यहां पर अगर बात करें एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर भी था। प्रोलिफरेशन ऑफ रेप्टाइल तो जुरैसिक पीरियड के दौरान, और उसके बाद जो क्रिटेशियस आएगा उसमें इसके एक्सटेंशन की बात हो जाएगी, ठीक है। डेवोनियन की बात करें तो ये फर्स्ट हो जाएगा। कार्बोनिफेरस जाइंट टेरिडोफाइट अराइज हुए थे। सीनोजोइक एज ऑफ मेमल कहलाता है, तो अपना ऑप्शन बनेगा 2, 1, 3, 5। इसमें देखें 2 कहीं पे आ रहा है, पहले आ रहा है 2 के बाद में 1, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। इसका मतलब अपने को यहाँ से 2 नहीं लेना है, फिर अपने को सिलेक्ट करना है 4, 1, 3, 5। 4, 1, 3, 5 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एटावेज़ और द रिवर्जन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ह्यूमन बेबी विद स्मॉल टेल रिवर्जन का एग्जाम्पल है. प्रेजेंस ऑफ एडिशनल मैमी इन सम ह्यूमन बींग्स, तो जो अपने एंसेस्टर थे उसमें एडिशनल मैमी निपल्स पाए जाते थे, लेकिन आगे की जो जनरेशन बनी उनमें ये क्या हो गए? गायब हो गए. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एडिशनल मैमी आ जाती हैं, आर्म पिट में आ जाती हैं, थोरेसिक मैमी अराइज हो जाती हैं, एब्डोमिनल मैमी अराइज हो जाती हैं. तो ये ऑप्शन भी क्या है? एटावेज़ का है. वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका? वेस्टिजियल ऑर्गन. ये एटावेज़ का एग्जाम्पल नहीं है. डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ मूविंग पिन्ना इन सम पर्सन, तो कुछ पर्सन में ईयर पिन्ना को मूव करने के लिए एबिलिटी आ जाती है, ये भी एटावेज़ का एग्जाम्पल है. अपने से ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो आंसर नंबर थर्ड इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल रिप्रेजेंट एनालोगस ऑर्गन अमंग द फॉलोइंग. एनालोगस ऑर्गन को अपने को बताना है. फोरलिंब ऑफ वर्टिब्रेट होमोलोगस है, हर्ट ऑफ वर्टिब्रेट होमोलोगस है, लेग एंड माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट. एक ही इंसेक्ट के लेग और माउथ पार्ट की बात हो रही है, तो ये एनालॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा. ट्रेकी ऑफ एन इंसेक्ट एंड लंग्स ऑफ ए वर्टिब्रेट. ओरिजन अलग अलग हैं, लेकिन फंक्शन क्या है इनका? ब्रीथिंग का, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं ये दोनों ही. इसका मतलब एनालॉगस का एग्जाम्पल बनता है. ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट. नेक्स्ट, डाइवर्सिटी विद इन द वाइल्ड बर्ड स्पीसीज इन द डायग्राम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई विच प्रोसेस. एक डायग्राम आपको दिखा रखा है, एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट बता रखा है, अलग अलग डायरेक्शन में जो है ये डिफरेंट एनिमल अराइज हुए हैं. तो आपको पता है ऐसा जो केस है ये डार्विन की फिंचेज के रेस्पेक्ट में बनाया, डिफरेंट टाइप की जो है वो बीक जो है फॉर्मेशन हुआ है, और ये किसके कारण हुआ है? ये अडेप्टिव रेडिएशन के कारण अराइज हुआ है. तो आप देखें अडेप्टिव रेडिएशन है, बिल्कुल. एनालॉजी रॉन्ग, अडेप्टिव कन्वर्जेंस रॉन्ग, एडाविस्टिक ट्रेट नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर वन. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस मेनली रेफर्स टू. तो डार्विन ने अपनी जो स्टेटमेंट या पोस्टुलेट्स जो दिए थे उनमें इन्होंने बताया था कि अडेप्टेशन का मतलब होता है मोस्ट फिटेस्ट इंडिविजुअल वो होता है जो रिप्रोडक्टिवली क्या हो, फिट इंडिविजुअल हो. तो डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस से. ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैमल नॉट रिप्रेजेंट पैरेलल इवोल्यूशन. पैरेलल इवोल्यूशन कौन से नहीं दर्शाएंगे? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पैरेलल इवोल्यूशन बताया गया है किसमें? प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में. बोबकेट, तस्मानियन टाइगर केट, प्लेसेंटल मैमल, मार्सुपियल सही है. लेमुर, नम्बेट, यहाँ लेमुर के रेस्पेक्ट में जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आएगा वो आएगा स्पॉटेड कसकस. इसका मीन्स ये गलत हो गया. फ्लाइंग स्क्विरल मैमल फॉर्म है, और ये जो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है सही. वॉल्फ, तस्मानियन वॉल्फ, ये भी ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट के रेस्पेक्ट में नंबर टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड ट्रू अबाउट द होमोलोगस ऑर्गन. होमोलोगस ऑर्गन के लिए क्या ठीक नहीं है? अकर इन एनिमल हैविंग सिमिलर एंसेस्ट्री. तो होमोलोगस के रेस्पेक्ट में अपने कहा था ओरिजन सेम हो, फंक्शन में भी क्या हो सकते हैं इनके? डिफरेंट हो सकते हैं या डिफरेंट होते हैं. अकर इन एनिमल हैविंग सिमिलर एंसेस्ट्री, ये तो ठीक बात है, ओरिजिन क्या है सबका सेम है. डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ अडेप्टिव कन्वर्जेंस, नो. डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ अडेप्टिव डाइवर्जेंस, रॉन्ग स्टेटमेंट. स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली क्या होते हैं? डिफरेंट. ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, लेकिन फंक्शन क्या है इनके? डिफरेंट हैं, करेक्ट हैं. प्रेजेंट इन जनरली दोज स्पीसीज विच हैव इवॉल्व ड्यू टू अडेप्टिव रेडिएशन. ये जो एग्जाम्पल है होमोलॉजी, ये अडेप्टिव रेडिएशन को रिप्रेजेंट करती है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. अपने से इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर टू इज आंसर. नेक्स्ट, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द रेंज ऑफ वेरिएशन अमंग द पॉपुलेशन मेंबर फॉर ए ट्रेट डिटरमाइंड बाय द मल्टीपल जीन. ये आपको एक ग्राफ दिखा रखा है, इसके प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस. इफ दिस पॉपुलेशन इज सब्जेक्टेड टू स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का मतलब हो गया जो पीक है इस पीक को ही और सपोर्ट किया जाएगा. इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? पीक नीचे आ रही है, गलत. यहां पर क्या हो रहा है? जो मार्जिनल केसेज है उनको सेलेक्ट किया जा रहा है, ये डिसरप्टिव को बुला रहा है, ये भी गलत. यहां पर अगर बात करें तो किसी एक पीक को सिलेक्ट किया जा रहा है,
एक पीक को सेलेक्ट करने का मतलब हो गया डायरेक्शनल, तो ये भी गलत। तो स्टेबलाइजिंग को बताने वाला ग्राफ कौन सा रह गया अपना, वन, तो आंसर हो जाएगा वन। नेक्स्ट, विच आर कंसिडर्ड एज टू की कंसेप्ट ऑफ द डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म के जो दो की कंसेप्ट थे वो थे ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये आपको मेमोराइज करना है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, करेक्ट आंसर टू। नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य का चुनाव करना है। अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, जिनके कारण एडेप्टेशन हुआ है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होती जाती है, इनहेरिट होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अडेप्टेशन हैज जेनेटिक बेसिस, अडेप्टेशन आने के पीछे जेनेटिक बेसिस है, और ये जो है ये आगे एक्सप्लेन किया गया है नियो डार्विनिज म्यूटेशन थ्योरी में, ठीक बात है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाई द नेचर, नेचर उन्हीं को ही सेलेक्ट करती है जो मोस्ट फिटेस्ट होते हैं, तो ये बात भी ठीक है। अडेप्टेशन डज नॉट हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, अडेप्टेशन जो है अगर अडेप्टेशन ही आ गई तो वो तो सर्वाइवल में हेल्प करेगी, तो इनकरेक्ट आंसर अपना हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट, कैट की अगर बात करें मैमल, ऑक्टोपस की अगर बात करें तो ये इनवर्टिब्रेट बन जाएगा। ओरिजिन क्या हो गया, डिफरेंट, दोनों में फंक्शन क्या हो गया, विजन का हो गया। एनालोगस ऑर्गन ये बनते हैं, आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, फंक्शन ऑफ द विजन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर दो ऑप्शन में होमोलोगस है, रॉन्ग हो गए, एनालोगस ठीक है, दैट हैव इवोल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालोगस ऑर्गन के पीछे कारण क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो अलग अलग एंसेस्ट्री से किसी एक कॉमन हैबिटेट की ओर आते हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से अराइज हुआ है, डाइवर्जेंट की वजह से नहीं हुआ है। होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट का परिणाम है, कन्वर्जेंट का परिणाम, एनालोगस कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फोरलिंब ऑफ कैट लिजार्ड यूज इन वॉकिंग, फोरलिंब ऑफ द व्हेल यूज इन स्विमिंग एंड फोरलिंब ऑफ द बैट। तो जितने भी एग्जाम्पल दिए ये सारे के सारे मैमल्स हैं, इनके फोरलिंब की बात हो रही है, और मैमल्स के जो फोरलिंब है वो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। अपने से क्या पूछा जा रहा है, फोरलिंब ऑफ बैट यूज इन द फ्लाइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका हो जाएगा, होमोलोगस ऑर्गन। यहाँ पर आप देखें अडेप्टिव रेडिएशन बताया गया है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बताया गया है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने को ऑर्गन के विषय में पूछा गया है, ऑर्गन ये कौन से कहलाएंगे, होमोलोगस ऑर्गन कहलाएंगे, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एग्जाम्पल ऑफ, वही बिस्टन बिटुल एरिया कार्बन एरिया वाला एग्जाम्पल बताया जा रहा है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये एग्जाम्पल है किसका, नेचुरल सिलेक्शन का, सो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, अगर ब्रेन कैपेसिटी की बात की जाए तो होमो हैबिलिस के केस में जो ब्रेन कैपेसिटी बनती है वो बनती है 650 to 800 cc। होमो इरेक्टस की अगर बात करें तो ये होती है 900 cc। होमो नियंडरथैलेनेंसिस की अगर बात की जाए तो ये होती है 1400 cc, और होमो सेपियंस की अगर बात की जाए तो ये भी है अप्रोक्सीमेटली 1400 cc, ओके। तो स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी होमो हैबिलिस की हो जाएगी, करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए दो स्टेटमेंट आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर। द अर्लिएस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपियर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिजेम्बली एनएरोब, एग्जैक्टली ठीक बात है कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अराइज हुए थे वो क्लोरोफिल वाले नहीं थे, उनके पास क्लोरोफिल नहीं थी और एनएरोबिक टाइप के थे, करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रॉप्स, पहले जो स्वयं पोषी हुए वो कैसे थे, रॉ मटेरियल के रूप में केमिकल्स को काम में लेते थे, तो कीमो ऑटोट्रॉप्स थे, दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन, इन्होंने कभी भी ऑक्सीजन को रिलीज नहीं किया क्योंकि इन्होंने सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के रूप में H2S को काम में लिया था, H2S अगर काम में आएगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है
अगर स्मॉल पॉपुलेशन में होगा आइसोलेटेड में तो इजीली विजिबल हो जाएगा, लार्ज पॉपुलेशन में ये इजीली विजिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हार्डी विनबर्ग इक्वेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट होती है किसके द्वारा, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर, ये रिप्रेजेंटेड है हेटरोजाइगस के लिए पूछ रहा है, तो हेटरोजाइगस को कौन रिप्रेजेंट करता है, 2PQ फॉर्म रिप्रेजेंट करती है, करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के रेस्पेक्ट में करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट, ऑर्गेनिक मोनोमर्स बने, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बने, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले मोनोमेरिक फॉर्म की बात हुई थी इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसके बाद ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बने थे, थर्ड आ जाएगा, उसके बाद प्रोटोबायोंट्स का फॉर्मेशन हुआ था, और इसके बाद जो है वो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम बना था, मीन्स फोर्थ। तो ऑप्शन बनेगा 2, 3, 1, 4, आप ऑप्शन देखें 2, 3, 1, 4, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउ यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट, नीट का ही क्वेश्चन है ये, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो ऑब्टेन किया जाता है काउ में मिल्क यील्डिंग के लिए, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें डायरेक्शनल ये होता है एज इट पुशेज द मीन ऑफ द करेक्टर इन वन डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो मीन करेक्टर है इस वाले केस में वो एक तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, सो अपना करेक्ट आंसर इसके रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, असत्य का चुनाव करना है, डाइवर्जेंट के रेस्पेक्ट में असत्य है, इसका मतलब डाइवर्जेंट नहीं होना चाहिए वो फिर कैसा बनेगा, एनालॉजी का एग्जाम्पल बनेगा, ब्रेन ऑफ बैट मैन एंड चीता, वर्टिब्रेट के ब्रेन तो होमोलोगस का है तो ये आंसर तो अपना नहीं होगा, आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन, ऑक्टोपस आ गया मैमल्स के साथ, इसका मतलब ये एनालॉजी है तो आंसर बन जाएगा ये, हर्ट ऑफ यहां पर जो दिखाया गया है ये वर्टिब्रेट का हर्ट है, होमोलॉजी का एग्जांपल है, इसके रेस्पेक्ट में नहीं जाएगा, फोर लिंब ऑफ, तो वर्टिब्रेट के जो फोर लिंब है वो भी होमोलॉजी का एग्जाम्पल है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में ये सही नहीं है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्वर्जेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आंसर चला जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ह्यूगो डिवरीज के अनुसार जो इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है वो क्या है, वो सडन चेंजेज है, और ये सडन वेरिएशन क्या कहलाती है, लार्ज वेरिएशन सोल्टेशन कहलाती है, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू स्टेटमेंट, कौन से सही है इनमें से, देयर वॉज नो एटमोस्फियर ऑन द अर्ली अर्थ, करेक्ट स्टेटमेंट, कोई एटमोस्फियर नहीं था, वाटर वेपर CH4 CO2 NH3 रिलीज लेटर ऑन बाय द मोल्टन लावा, ये चारों ही जो हैं ये मोल्टन लावा के द्वारा सीक्रेट हुए थे, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इज बेस्ड ऑन द रिलीजन, ये ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी देखा था इसी बायो डीटीएस में अपने, तीनों ही स्टेटमेंट क्या है सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन ऑन प्रिमिटिव अर्थ डिड नॉट इंक्लूड, तो प्रिमिटिव अर्थ पे कौन सी कंडीशन नहीं थी, रिड्यूसिंग एटमोसफियर बिल्कुल था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स बिल्कुल थे, प्रेजेंस ऑफ CH4NH3 बिल्कुल पाए जा रहे थे रॉ मटेरियल के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एटमोसफियर ये नहीं था, इसका मतलब यही वो कंडीशन है जो प्रिमिटिव अर्थ पर नहीं पाई जा रही थी, आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल पार्ट इन ह्यूमन इन द टर्म ऑफ इवोल्यूशन, कौन सा वेस्टिजियल नहीं है, तो मैन में निप्पल का कोई भी काम नहीं है, ये वेस्टिजियल है, ठीक है, अपने को नोट पता करना है, फिंगर नेल्स, फिंगर पर पाए जाने वाले जो नेल्स हैं एग्जैक्टली इनका फंक्शन होता है, क्योंकि ये टर्मिनल पोर्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये वेस्टिजियल फॉर्म नहीं है, यही अपने से पूछा जा रहा है, क्रॉस चेक कर लें, सेगमेंटल मसल इन एब्डोमेन, अपने एब्डोमिनल रीजन में जो सेगमेंटल मसल पाई जाती हैं वो अपना वेस्टिजियल है, कोई फंक्शनल नहीं है उनका, ठीक है, थर्ड मोलर ऑफ ईस्ट साइड, जो थर्ड मोलर जिसे विजडम टीथ कहा जाता है वो भी नॉन फंक्शनल है, बाइटिंग च्यूइंग वगैरह में हेल्प नहीं करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन, फिंगर नेल आर नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन। नेक्स्ट, एंसेस्टर ऑफ मैमल बिलोंग टू, मैमल के एंसेस्टर की अगर बात करें तो जहां से
ये बाइफर्केशन चालू हुआ है एनसीईआरटी के एक डायग्राम की हेल्प से आप देखें तो एक तरफ बने थे सोरोप्सिड, एक तरफ बने थे साइनेप्सिड। साइनेप्सिड से आगे फिर ओरिजिन हुआ था किसका, थिरेप्सिड का। थिरेप्सिड से कौन बने थे, मैमल्स बने थे, तो मैमल के एंसेस्टर कौन हो जाएंगे, थिरेप्सिड। ओके, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ह्यूगो डी व्रीज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम डार्विन्स थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन। चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो स्टेटमेंट चूज करना है जो ह्यूगो डी व्रीज की थ्योरी के रेस्पेक्ट में है और जो इसको डिफ्रेंशिएट भी करता है किससे, डार्विन की थ्योरी से। एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलरिटी टू वेरिंग डिग्री अमंग देमसेल्फ, तो ये स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है। न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ अराइजेज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, तो कॉमन सी बात है, ये भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है। वेरिएशन रेस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, जबकि ह्यूगो डी व्रीज ने तो म्यूटेशन थ्योरी में ये कहा था नॉन डायरेक्शनल होती हैं, लार्ज होती हैं, ये भी गलत बात है। इवोल्यूशन इज नॉट ए ग्रेजुअल प्रोसेस, सतत चलने वाली क्रिया नहीं है, ये बात सही है और डिफ्रेंशिएट भी करती है किसको, डार्विनिज्म से। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन ऑर्गेनिज्म हैव स्पेसिफिक वेरिएशन सर्वाइव एंड इंक्रीज देयर नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब अडेप्टेशन है इनके पास में, अपनी नंबर को जनरेशन में, अगली जनरेशन में इंक्रीज ये कर लेते हैं, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, ये फिनोमिना इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट, दो स्केल आपको दी गई हैं, इनके रेस्पेक्ट में आपको ए तो बेबी चिंपैंजी को इंडिकेट कर रही है और बी जो है एडल्ट चिंपैंजी को इंडिकेट कर रही है। ए इज द स्केल ऑफ बेबी चिंपैंजी, करेक्ट, विच इज लेस लाइक टू द एडल्ट ह्यूमन, नो, ये ज्यादा रिजेम्बलेंस दर्शाती है, गलत। बी इज द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी, रॉन्ग स्टेटमेंट। ए इज द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी, करेक्ट, विच इज मोर लाइक द एडल्ट ह्यूमन, सो अपना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मॉडर्न होमो सेपियंस अराउजेज, मॉडर्न होमो सेपियंस के अराउजिंग की अगर बात की जाए तो इनका अराउजिंग पीरियड था ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन दी 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो, तो इसके रेस्पेक्ट में जो आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूं बाकी ऑप्शन, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1,00,000 to 40,000 ईयर, ये नियंडरथल मैन के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, चारों ही बातें एनसीईआरटी से हैं। अबाउट 1.5 मिलियन ईयर अगो की अगर बात की जाए तो ये ओरिजिन था किसका, होमो इरेक्टस का। अबाउट 18,000 ईयर्स अगो जो है वो प्री हिस्टोरिक केवर्ड की बात होती है, तो ये इनसे रिलेटेड, होमो सेपियन से रिलेटेड जो है ओरिजिन ऑप्शन नंबर 2 बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्री हिस्टोरिक मैन का सीक्वेंस दिया गया है, इसको प्रॉपरली अरेंज करना है। ओके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ड्रायोपिथिकस और ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इनमें से चूज करना है, तो पहले तो आ जाएगा बी, बी के बाद आ जाएगा ई। इसके बाद अगर बात करें तो ऑप्शन बच गए अपने एग्रीकल्चर, प्री हिस्टोरिक केवार्ट और होमो हैबिलिस, तो ई के बाद आ जाएगा अपना ए, और उसके बाद आ जाएगा प्री हिस्टोरिक केवार्ट जो 18,000 साल पहले थी, तो ऑप्शन बन जाएगा सी, और लास्ट हो जाएगा डी। तो बी ई ए सी डी ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी को मैच करना है, होमो हैबिलिस 750 ठीक है, होमो इरेक्टस 900 ठीक है, नियंडरथल मैन 1400, क्रोमैग्नन मैक्सिमम थी 1650, तो ए के का फर्स्ट बन जाएगा अपना, बी का सेकंड बन जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सी का अपना फोर्थ होगा, सी का फोर्थ मतलब दिस वन, और डी का अपना बन जाएगा थर्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड आउट ओड वन, ट्रंक ऑफ एलिफेंट एंड हैंड ऑफ ह्यूमन, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो हैं ये सिमिलर फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, वो माउथ पार्ट से रेस्पेक्टेड है, रिलेटेड है, और ये जो है ये फोरलिम से रिलेटेड कहलाएगा, तो ये कैसे बन जाएंगे, इसके सेम फंक्शन दर्शाने के कारण एनालॉजी को रिप्रेजेंट कर जाएंगे। पोटेटो एंड कैरेट, इनकी बात की जाए तो ये रूट है, ये स्टेम है, ओरिजिन अलग है, फंक्शन सेम है, एनालॉजी को रिप्रेजेंट कर जाएगा।
विंग ऑफ बैट एंड इंसेक्ट, अगर इनकी बात करें ओरिजिन अलग है, फंक्शन उड़ने में मदद करते हैं तो एनालॉजी है, नेल्स ऑफ ह्यूमन बींग एंड क्लॉज ऑफ ए कैट, यहाँ पर जो है डिफरेंट ओरिजिन की बात नहीं करेंगे, दोनों ही क्या हैं मेमल्स हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा, एनालॉजी से कौन रिलेटेड नहीं है, नंबर 4, ओके नेक्स्ट, ए स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन इज मोर लाइकली टू अंडरगो स्पीसिएशन देन ए लार्ज पॉपुलेशन, बिकॉज स्मॉल पॉपुलेशन में आइसोलेशन मोर लाइकली टू अंडरगो स्पीसिएशन, स्पीसिएशन होने के चांसेज ज़्यादा होते हैं, और इसके पीछे जो कारण है वो है इज मोर अफेक्टेड बाई जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सेलेक्शन, इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सेलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेज होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो बाकी के ऑप्शन को आप स्टडी करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 जो है वो इसका रीजन बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन ने किस बात को नहीं बताया, नेचुरल सेलेक्शन को बताया था इन्होंने, ओवर प्रोडक्शन हर इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल दर्शाने की, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नंबर बढ़ेगा तो फूड रिसोर्सेज कम है तो स्ट्रगल भी होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट इसके बारे में इन्होंने कोई भी आइडिया नहीं दिया है, तो आंसर बन जाएगा 4th। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन होमोलॉजी के रेस्पेक्ट में बात करनी है, डार्विन फिंचेज एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होकर डिफरेंट गैलापागोस आइलैंड पर जो है वो रिसाइड हुई थी, ठीक बात है, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट मार्सुपियल जो है वो भी अडेप्टिव रेडिएशन को दर्शाते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मेमेलियन फॉरलिम्ब ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, मेमेलियन जो फॉरलिम्ब है वो भी किसको दर्शाते हैं, होमोलॉजी को, इसका मतलब तीनों ही बातें ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर व्हेन फ्यू इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज कॉलोनाइज एन आइलैंड, इट्स कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसमें कुछ इंडिविजुअल एक जो आइलैंड है उसको कॉलोनाइज करते हैं, इसका मतलब अपनी पोजीशन को छोड़कर नई जगह गए हैं, वहां पर नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन वो करवाएंगे, इसको अपन फाउंडर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट अगेंस्ट डीडीटी इज ए टाइप ऑफ, डीडीटी रेजिस्टेंस ये भी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जैक्टली दिया गया है कि डीडीटी रेजिस्टेंस जो पैदा हुआ है माइक्रोब्स में ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से अराइज हुआ है, इसका मतलब करेक्ट आंसर अपना एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से डायरेक्शनल टाइप का सिलेक्शन कहलाता है, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, लॉफ फिन एनिमल इवॉल्व इनटू द फर्स्ट, लॉफ फिन एनिमल तो एनसीईआरटी की एक लाइन है, उस लाइन के अकॉर्डिंग 1938 में एक लॉफ फिन एनिमल जो है वो डिस्कवर किया गया था, वो लॉफ फिन एनिमल जो है वो किसमें कन्वर्ट हुआ था आगे चलकर, एम्फीबिया में, सीलोकेंथ कहा था उनको अपन ने, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, हॉर्स टेल आर जो एक ग्राफ दिखा रखा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स के रेस्पेक्ट में हॉर्स टेल जो है वो किसे कहा गया है, स्पिन ऑफ सीड आर नोन एज हॉर्स टेल। नेक्स्ट, लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल एट द प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट के टाइम में लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकती इनऑर्गेनिक मटेरियल से, क्या पॉसिबल रीजन है इसका, हाई डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो पोल्यूशन का कोई रोल इसमें है ही नहीं, वेरी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, एग्जैक्टली जब प्रिमिटिव एटमोसफियर में लाइफ जब ओरिजिनेट हुई थी इनऑर्गेनिक फॉर्म से, तो उस समय रिड्यूसिंग एटमोसफियर था, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन पाए जाने के कारण, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट होने के कारण अब लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, किससे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से, क्रॉस चेक कर लें, हाई एटमोस्फियरिक टेम्परेचर वो तो उस समय भी था, अब्सेंस ऑफ रॉ मटेरियल वो नहीं है अभी, पाया जा रहा है रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जा रहे हैं, फिर भी लाइफ क्यों नहीं है ओरिजिनेट हो रही है, क्योंकि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट नहीं है इस समय, ओके, तो आंसर हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, बताना है अपने को, बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, नो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड, करेक्ट स्टेटमेंट है, इन सोलर सिस्टम द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक, ये बात भी क्या है, सही है, लाइफ अपीयर्ड 0.5 बिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले, उसके 500 मिलियन सालों तक क्या नहीं हुआ था, कोई भी लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ था, इसका मतलब 0.5 बिलियन ईयर तक
कोई लाइफ का ओरिजिन नहीं था, ये बात भी क्या है, सही है। अपने को करेक्ट ही पता करना है, फर्स्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट हैं, इसका मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेंटल मैमल शोज द पैरेलल इवोल्यूशन विद मार्सुपियल मैमल स्पॉटेड कस्कस। स्पॉटेड कस्कस के लिए जो है वो कौन सा प्लेसेंटल मैमल आएगा, तो उसके फ्रंट में आ जाएगा लेमूर। ओके, करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट, व्हेन डिड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, ह्यूमन सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर स्टार्टेड 10,000 ईयर्स बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑर्गेनिज्म एस्केप डिटेक्शन फ्रॉम एनिमी बाय रिजेम्बलिंग देयर द अदर ऑर्गेनिज्म, दिस फिनोमिना इज नोन एज। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की नकल करता है, मिमिक करता है उसको, अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए, किससे, अपने प्रीडेटर से, ये क्या कहलाती है, मिमिक्री कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इवोल्यूशन, यूनिवर्स ओरिजिनेट अबाउट 20 मिलियन ईयर अगो। नो, छोटी बात है लेकिन गौर करना, मिलियन नहीं है, बिलियन होना चाहिए था, रॉन्ग स्टेटमेंट। यूनिवर्स इज फॉर्म्ड बाई ए गैलेक्सी नॉन एज मिल्की वे, यूनिवर्स मिल्की वे से नहीं बना है, यूनिवर्स में बहुत सारी क्या पाई जा रही हैं, गैलेक्सीज पाई जा रही हैं, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो रॉन्ग। कंसिडर द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड ए स्पीक, एक माचिस की तिल्ली की तरह है अभी भी अर्थ यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में, या कण भर के समान है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन अस द ओरिजन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी जो है वो यूनिवर्स के एक्सप्लोजन, यूनिवर्स के ओरिजन को एक्सप्लेन करती है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो अपने से करेक्ट ही पूछा गया है, ए सी एंड डी आर करेक्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा फोर। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ओपेरिन थ्योरी इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ओपेरिन थ्योरी का कौन सा पार्ट है, तो ओपेरिन थ्योरी का केमिकल इवोल्यूशन जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मिलर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टाइम एंड रिलेटेड इवेंट इज इनकरेक्टली मैच्ड, 4 बिलियन ईयर अगो अप्रोक्सीमेटली ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है, अभी अपन ने एक क्वेश्चन में देखा था, 3 बिलियन ईयर अगो अप्रोक्सीमेट पहले नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ हुई है, बिल्कुल ठीक बात है, 2 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड है, बिल्कुल ठीक बात है, एनसीईआरटी ने बोला है एग्जैक्टली, 1.5 मिलियन ये गलत हुआ है यहां पर, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट मिलर एक्सपेरिमेंट, मिलर का एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है इस डायग्राम में, ए बी सी डी को कौन लेबल कर रहा है, तो ए जो है वो तो स्पार्क डिस्चार्ज को बता रहा है, बी जो है वो कंपोजिशन ऑफ गैसेज और वेपर बता रहा है, ओके, सी जो है वो बॉइलिंग वाटर बता रहा है, और डी जो है वो वैक्यूम को बता रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, ए स्पार्क डिस्चार्ज है, इसका मतलब ए इलेक्ट्रोड नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएंगे पहला और तीसरा। अगला देखें, बी एन एस थ्री एच टू एच टू ओ सी एच फोर, और यहाँ पर जो है बी एन एस थ्री एच टू ओ कम इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर ज़्यादा है, क्रॉस चेक करें, सी बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर, डी वैक्यूम, वैक्यूम, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड, जियोलॉजिकल पीरियड में कैसे कैसे ओरिजिन हुआ है एनिमल्स का, आइडेंटिफाई द जियोलॉजिकल पीरियड ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इनके रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि ये कौन कौन से पीरियड रहे होंगे। यहाँ अगर बात करें तो अर्ली रेप्टाइल जो एक्सटिंक्ट हुए हैं, ये जो टाइम पीरियड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एज रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिफेरस को, ओके, तो इसमें आप देखें किसी में भी कार्बोनिफेरस नहीं है, फिर भी आप क्रॉस चेक करें, बी की जगह आएगा परमियन, ओके ठीक है, सी आएगा क्रिटेशियस, और डी आएगा टर्सरी, ये आ जाएगा क्वार्टरनरी यहां पर, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्टली फिल कर रहा है ए बी सी डी को। नेक्स्ट, ह्यूमरस इज अब्सेंट इन, ह्यूमरस किस में नहीं पाई जाती है, ह्यूमन में है, व्हेल में है, चीता में है, फोरलिम में, लेकिन फिशेज में ह्यूमरस नहीं पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, आई होप आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा सॉल्यूशन को, थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि कैलकुलेटिव भी था जेनेटिक्स में, एनीवे तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम, थैंक यू।